आज के लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने प्रश्न संग्रह 2.1 के 5 क्वेश्चंस हल किए हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और कौन सा करेंगे, 8 करेंगे। समझ में आ रहा है? तो छठवा सवाल आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है किसी वर्ग समीकरण के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको क्या दिया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है आपको, ठीक है। अब वर्ग क्या होता है बेटा, वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बेटा, समान होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते बेटा, हम लोग यहां पर एक वर्ग ले लेते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ग लेंगे, ठीक है। तो ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या है बेटा, समान, ठीक है। इसका नाम होगा ए बी सी डी। अब यहां पर ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी के, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के, और सी डी किसके बराबर है, ए डी के। इसकी चारों भुजाएं क्या है बेटा, समान है। आपको सवाल में किसकी लंबाई दी गई है बेटा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है। कितना दी गई है बेटा, 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें एक विकर्ण लेना है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ए सी है ये क्या है बेटा, वर्ग का विकर्ण है। क्या है बेटा, ए सी यह वर्ग का क्या है, विकर्ण है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 10। इसकी लंबाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? और हमें क्या करना है, वर्ग के भुजाओं की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग के भुजा की लंबाई हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि वर्ग के जो भुजा की लंबाई है वो कितनी है बेटा, x सेंटीमीटर। कितनी है, x सेंटीमीटर। मतलब ये x है तो ये भी क्या होगा बेटा, x होगा। ये भी क्या होगा बेटा, x होगा। और ये भी क्या होगा, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है वर्ग की। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? पक्का ना बेटा? मतलब यहां पर ए बी का मान हमने क्या ले लिया, x सेंटीमीटर। तो बी सी का भी x होगा, सी डी का भी x होगा, और ए डी का भी क्या होगा बेटा, x सेंटीमीटर होगा। समझा, कोई डाउट है? चलो इसको सॉल्व करते। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसको हल करेंगे। माना चतुर्भुज ए बी सी डी यह वर्ग है, यह क्या है बेटा, वर्ग है, तथा ए सी यह वर्ग का विकर्ण है। क्या है बेटा, विकर्ण है, ठीक है। और विकर्ण की जो लंबाई है वो हमें कितना दिए बेटा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए बेटा, अगर ये ए बी सी डी वर्ग है तो ए बी बराबर होगा बी सी के, और बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा ए डी के। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना बेटा, इसलिए ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के, और बी सी किसके बराबर होगा, सी डी के, और सी डी किसके बराबर होगा बेटा, ए डी के, ठीक है। और यहां पर रीजन में लिख सकते हो बेटा, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाओं की लंबाई हमें पता है क्या, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर। कोई डाउट है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक त्रिभुज लेंगे इसमें, ठीक है। यहां पर देखो बेटा, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। त्रिभुज का नाम क्या है बेटा, ए बी सी। ए बी सी में कोण B यह 90 अंश का होगा, बराबर, क्योंकि वर्ग का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं बेटा, 90 अंश के होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश।
कोण बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 90 अंश, और यहां पर लिखेंगे बेटा वर्ग का कोण, वर्ग के जो प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं बेटा 90 अंश के होते हैं, तो कोण बी कितना हो जाएगा 90 अंश। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये कोण बी 90 अंश है मतलब ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है बेटा समकोण त्रिभुज है, और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय यूज कर सकते हैं कर सकते हैं ना बेटा, इससे हमें ए बी का मान मिलेगा और बी सी का मान मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। कोई डाउट है? यहां पर हमने पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई किया है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है बेटा, ए बी और बी सी का मान ज्ञात करना है। ए सी का मान हमारे पास है, ए सी का मान कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे 10 का वर्ग, क्योंकि ए सी का मान 10 है, बराबर ए बी का मान हमें कितना लिया बेटा x, तो x का वर्ग प्लस बी सी का मान क्या है बेटा x, तो x का वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे बेटा 10 का वर्ग कितना होता है 100, बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। अब ये गुणे में है, इधर गया तो बट्टे में चला जाएगा, तो यहां पर 100 बट्टे में क्या आएगा 2 बराबर हो जाएगा x का वर्ग। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। चलो आगे सॉल्व करते हैं, अभी 2 से डिवाइड हो रहा है ना बेटा ये, यस सर। 2 एक 2, 2 5 10, और ये 0 वैसे के वैसे लिख दो। तो यहां पर x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 50, वर्ग हमें चाहिए क्या, हमें किसका मान चाहिए x का, ठीक है। तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा बेटा x बराबर हो जाएगा करणी में 50। वर्गमूल करेंगे तो x का वर्ग हट जाएगा और इसको क्या लग जाएगा बेटा करणी लग जाएगा, समझा। अब 50 को करणी से बाहर निकालेंगे तो 50 का हमें खंड ज्ञात करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 दुनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 25, 5 एक 5, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 2 × 5 × 5, 5 5 25, 25 2 50, बात हो रही है ना। अब यहां पर जोड़ी किसका बन रहा है बेटा 5 का जोड़ी बन रहा है, तो बाहर आ जाएगा x बराबर क्या होगा बेटा 5 बाहर चला जाएगा और करणी में क्या बचेगा 2, और यहां पर लिखेंगे सेंटीमीटर। ये हमें किसका मान मिला है बेटा x का, x मतलब क्या है बेटा यहां पर वर्ग की भुजा है, तो इसलिए आप लिख सकते हो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सबका मान क्या है बेटा 5 करणी में 2 सेंटीमीटर, 5 करणी में 2 सेंटी, मतलब वर्ग की जो भुजा हमें ज्ञात करना था वो तो हमें मिल चुकी है, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है। वर्ग की परिमिति होती है 4 × भुजा की लंबाई, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर कितना है बेटा 5 करणी में 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है 4 × भुजा की लंबाई, तो 4 × भुजा की लंबाई कितनी है 5 करणी में 2, 5 चौके कितना होता है 20, तो 20 करणी में 2 सेंटीमीटर, ये क्या है बेटा वर्ग की परिमिति है, समझ में आ रहा है। और फाइनल आंसर में आपको क्या लिखना है बेटा, फाइनल आंसर में आपको लिखना है
वर्ग के भुजा की लंबाई कितनी है? 5 करनी में 2 सेंटीमीटर, और वर्ग की जो परिमिति है वो कितनी है? 20 करनी में 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। इजी है? यस सर। और वर्ग की परिमिति का मतलब क्या होता है बेटा? परिमिति का मतलब होता है, समझो यहां पर एक पॉइंट है, यहां से अगर आप पूरा एक राउंड मारोगे वर्ग का, पूरा जो एक राउंड मारोगे उसी को क्या बोलते हैं? वर्ग की परिमिति। समझ में आ रहा है? वर्ग का पूरा एक राउंड मारोगे तो हमें क्या मिलता है बेटा? वर्ग की परिमिति मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वहां पर। समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा। यस सर। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है आकृति 2.21 में कोण DFE बराबर कितना है? 90 अंश। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो आपको आकृति दी गई है इसके अंदर कोण DFE ये कितना है? 90 अंश है। 90 अंश मतलब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज DFE, ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, रेख FG लंब है रेख ED के ऊपर। रेख FG किसके ऊपर लंब है बेटा? ED के ऊपर। समझ में आ रहा है? ये 90 अंश है। 90 अंश की सम्मुख भुजा क्या होती है बेटा? कर्ण होती है, और कर्ण के ऊपर यहां पर लंब डाला गया है। समझ में आ रहा है? और आगे क्या दिया है? यदि GD बराबर 8, यदि GD बराबर 8, FG बराबर 12, FG बराबर कितना है? 12, तो EG का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है? EG का। तो हमें सबसे पहले EG का मान ज्ञात करना है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यामितीय माध्य लगेगा। यहां पर देखो त्रिभुज DFE, ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर क्या डाला गया है बेटा? लंब डाला गया। ये जो लंब होगा कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का क्या होगा? ज्यामितीय माध्य होगा। इसका मतलब FG का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? EG इंटू GD के। समझ में आ रहा है? तो यहां से हमें किसका मान मिलेगा? EG का मान मिलेगा। समझ में आ रहा है? ज्यामितीय माध्य लगाएंगे तो हमें किसका मान मिलेगा? EG का। मतलब ये तो हमारा सोल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है? FD का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? FD का। इसका मान ज्ञात करना है तो यहां पर कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटा? ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। इसमें ये 90 अंश है। 90 अंश मतलब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है बेटा? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया, 3री भुजा का मान ज्ञात करना है। मतलब यहां पर पाइथागोरस का प्रमेय यूज होगा। समझ में आ रहा है? और इसी तरह ये दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये वाला। इसमें देखो EG का मान तो हमें मिल जाएगा। ये 90 अंश है, ये दूसरी भुजा है, पहली भुजा और दूसरी भुजा का मान दिया है, और यहां पर हमें कर्ण का मान क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। मतलब अगर हम लोग ये त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज में भी क्या लगेगा? पाइथागोरस का प्रमेय। 2 भुजा का मान दिया है, तीसरे का हम ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग EG का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है? EG का। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको प्रॉपरली समझ जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? EG का मान ज्ञात करेंगे। किसका बेटा? EG का मान। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसको हल करना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, त्रिभुज DFE में, त्रिभुज DFE में कोण DFE ये कितना है बेटा? 90 अंश है। ये कितना है बेटा? 90 अंश। DFE ये कोण कितना है? 90 अंश है। ये हमें कहां से पता चला? दत्त से। कहां से पता चला बेटा? दत्त से। दत्त में दिया गया है। समझ में आ रहा है? तथा रेख GF लिखो या FG लिखो, यहां पर क्या लिखा है बेटा? FG। रेख FG लंब है। किसके ऊपर लंब है बेटा? ED के ऊपर। रेख ED के ऊपर, और ये हमें कहां से पता चला बेटा? दत्त से। ये भी कहां से पता चला? दत्त से। समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में कर्ण के ऊपर लंब डाला गया है तो हम लोग ज्यामितीय माध्य का प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या होगा बेटा, ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर एफ जी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ई जी गुणे क्या है बेटा, जी डी है। समझ में आ रहा है, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय हमने यहां पर यूज कर लिया। अब यहां पर हमें मान रखना है, यहां पर अभी हमें मान रखना है एफ जी का मान कितना बेटा, 12 का वर्ग बराबर ई जी का मान हमें ज्ञात करना है गुणे जी डी का मान कितना है बेटा, 8 है। कोई डाउट है? अब यहां पर ध्यान से देखिए 12 का वर्ग कितना होता है, 144 बराबर ई जी गुणे में कितना है बेटा, 8। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गुणे में इधर गए तो बट्टे में चला जाएगा, तो 144 बट्टे में क्या हो जाएगा, 8 बराबर ई जी। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, उसके बाद क्या होगा, 2 से इसको भाग दे दो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, 72 अपॉन में क्या आएगा, 4। ईजी का मान ज्ञात करना है, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, और यहां पर देखो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, तो ई जी बराबर 36 बट्टे में क्या है बेटा, 2, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, तो ई जी का जो मान है वो हमें कितना मिला बेटा, 18। कोई डाउट है? सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ है क्या? नहीं। तो यहां पर लिखोगे इकाई, क्या लिखोगे, इकाई। कोई डाउट है यहां पर? तो हमें ई जी का मान मिल चुका है, ई जी का मान कितना मिला है बेटा, यहां पर हमें ई जी का जो मान है वो कितना मिला है बेटा, 18। ये 18 मिल चुका है, समझा। उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा, एफ डी का। किसका मान ज्ञात करना है, एफ डी मतलब यहां पर इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इसके लिए हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे, ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये 90° है कि नहीं, 90° मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा बेटा, समकोण त्रिभुज। 90° की समभुजा क्या होती है, कर्ण है। 90° की समभुजा क्या होती है बेटा, कर्ण होती है। ठीक है, 2 भुजा का मान दिया है, 3री भुजा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर कौन सा त्रिभुज है बेटा, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एफ जी डी में, त्रिभुज एफ जी डी में कोण जी ये कितना है बेटा, 90°। कोण जी बराबर कितना है बेटा, 90°। ये हमें कहां से पता चला बेटा, दत्त से। दत्त से कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर ये जो एफ जी है वो किसके ऊपर लंब है बेटा, ईडी के ऊपर है कि नहीं, लंबे मतलब यहां पर 90° का क्या बनेगा, कोण बनेगा। कोई डाउट है? तो यहां पर आप लिख सकते हो दत्त से, या तो लिख सकते हो बेटा रेख एफ जी लंब है किसके ऊपर बेटा, रेख ई डी के ऊपर, इसलिए वो 90°। कोई डाउट है? अब आगे चलते हैं। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा बेटा, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। अब कर्ण क्या है बेटा, कोण जी की समभुजा क्या है बेटा, कर्ण है। कर्ण का वर्ग मतलब एफ डी का वर्ग, और एफ डी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर हो जाएगा एफ डी का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग मतलब जी डी का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग मतलब एफ जी का वर्ग। कोई डाउट है? ये दोनों का मान हमारे पास है और एफ डी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहां पर ध्यान से देखिए, देखो बेटा अभी एफ डी का मान हमें ज्ञात करना है, जी डी का मान कितना दिया बेटा, जी डी का मान कितना है, 8, और एफ जी का मान कितना है, 12।
जीडी का मान कितना है बेटा 8, तो 8 का वर्ग प्लस एफजी का मान कितना है बेटा 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144, दोनों को प्लस करेंगे 64 प्लस 144, 4 और 4 8, 6 और 4 10, 0 हाथ से लगी 1 और 2 आएगा, कितना आएगा 208। कोई डाउट है? यहाँ पर लिखेंगे बेटा 208, ये किसका मान हो जाएगा बेटा एफडी का वर्ग, किसका मान हो जाएगा, समझा? अब यहाँ पर देखो बेटा, हमें वर्ग चाहिए क्या? नहीं, वर्ग हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर क्या होगा बेटा, एफ डी बराबर हो जाएगा करनी में 208। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको करनी से बाहर निकालना है, ठीक है? तो 208 का हमें क्या करना होगा बेटा, खंड ज्ञात करना होगा। तो यहां पर 208 का खंड ज्ञात करेंगे, 208 दो से भाग जाएगा, दो एका दो, जीरो है लगा दो जीरो, यहां पर दो चौ कितना होता बेटा 8, फिर दो है, दो पच्चे 10, दो दुनी 4, वापस दो से जा रहा है, यहां पर आएगा बेटा दो दुनी 4 और एक बचा 12, दो छंग 12, फिर दो से जा रहा है, दो एकम दो, दो ती है 6, 13 किससे कटता है क्या, नहीं, 13 एकम 13। तो यहां पर खंड क्या मिला बेटा, एफ डी बराबर करनी में 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार तो है ना बेटा, 1, 2, 3, 4 और गुणे में क्या है बेटा 13। अब यहां पर ध्यान से देखो, 2 का जोड़ी बना 2 बाहर आएगा, 2 का जोड़ी बना 2 बाहर आएगा, करनी में क्या बचेगा 13। कोई डाउट है? चलो आगे चलते बेटा, अभी एफ डी बराबर 2 × 2 = 4, करनी में 13, कुछ भी नहीं है, मतलब इकाई लिख दो यहां पर, तो एफ डी का मान भी हमें मिल चुका है, समझ में आ रहा है? इसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है, इसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा, इसके बाद हमें मान ज्ञात करना है ई एफ का, किसका मान ज्ञात करना है, ई एफ, ई एफ कहां पर है देखो, यहां पर है, ई एफ का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है? इसके बाद हमें ई एफ का मान ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करेंगे बेटा, ई एफ का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, अभी ई एफ का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, देखो ये वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये 90 अंश है कि नहीं, 90 अंश की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण, और इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, समझ में आ रहा है? और ईजी का मान हमने कितना ज्ञात किया था, ईजी का मान कितना निकलता, 18, ठीक है? दो भुजा का मान है और तीसरी भुजा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, समझा? तो यहां पर 90 अंश की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, तो यहां पर कौन सा त्रिभुज है बेटा, त्रिभुज ई एफ जी में, त्रिभुज ई एफ जी, ई एफ जी लिखो या ई जी एफ लिखो, आपके ऊपर है। तो हम लोग कौन सा लेंगे बेटा, त्रिभुज ई जी एफ में, तो यहां पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट, त्रिभुज ई जी एफ में कोण जी बराबर कितना है बेटा 90 अंश, कहां से पता चला बेटा, दत्त से, कहां से पता चला, दत्त से, ध्यान से देखो यहां पर कोण जी कितना है, कोण जी कितना है बेटा 90 अंश। अब 90 अंश मतलब इसमें कौन सा प्रमेय यूज होगा, पाइथागोरस का प्रमेय यूज होगा, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का वर्ग, कर्ण यहां पर क्या है बेटा ई एफ, तो यहां पर लिखेंगे ई एफ का वर्ग, ई एफ का वर्ग बराबर हो जाएगा बेटा, ई एफ का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ई जी का वर्ग प्लस एफ जी का वर्ग, ई जी का वर्ग प्लस एफ जी का वर्ग, ठीक है, ई जी का वर्ग प्लस एफ जी का वर्ग, कोई डाउट है? ई जी का मान हमने 18 ज्ञात किया था, तो 18 का वर्ग प्लस एफ जी का मान कितना बेटा 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, यहां पर 18 का वर्ग कितना होता है बेटा, 18 का गुणा करेंगे बेटा 18 से, 8 अटे 64 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 और 6 कितना होता है बेटा 14, यहां पर 18 आएगा, 4 8 और 4 12 हासिल 1,
324 आएगा, कितना आएगा 324। तो यहाँ पर लिखेंगे 324 प्लस 12 कवर कितना होता है 144। अब दोनों को प्लस करेंगे, 324 में प्लस करेंगे किसको बेटा 144 को, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 468। तो यहाँ पर लिखेंगे 468, ये हो जाएगा ई एफ का वर्ग। वर्ग हमें चाहिए क्या? नहीं। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या करने पर बेटा? वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर क्या होगा बेटा? ई एफ बराबर हो जाएगा करणी में, करणी में कितना लिखेंगे 468। अब करणी में संख्या है तो इसको बाहर निकालना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके खंड ज्ञात करेंगे। 468 का हमें खंड ज्ञात करना है, दो से भाग देंगे, दो दुनी चार, दो तीय छः, दो चौक आठ, वापस दो से जाएगा बेटा, दो एकाम दो, दो एकाम दो, दो सत्ते चौदह। अब ये किससे जाएगा 117? 117 सात तीन से जाएगा, तीन त्रिका नौ, दो बचा, तीन नवा 27। अब ये जाएगा वापस तीन से, तीन एकम तीन, तीन त्रिका नौ और तेरह एकम तेरह, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई एफ बराबर दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे में क्या है बेटा 13। दो का जोड़ी बना दो बाहर आएगा, तीन का जोड़ी बना तीन बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 13। तीन दुना कितना होता है 6 और करनी में 13, ये हो जाएगा ई जी का मान, ठीक है। और कुछ भी नहीं मतलब, सॉरी यहाँ पर ये ई एफ का मान है, ठीक है। ई एफ वापस से लिख देता हूँ बेटा, ई एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3 दुना 6 करनी में 13, कुछ भी नहीं मतलब क्या लिखोगे इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों का मान ज्ञात कर लिया है, ई जी का मान 18 इकाई, एफ डी का मान 4 करनी में 13 इकाई और ई एफ का मान कितना है 6 करनी में 13 इकाई। समझ में आया है कैसे करना है? Yes, सबसे पहले हमने ज्यामितीय माध्य का प्रमेय यूज किया, yes, उसके बाद हमने क्या यूज किया? पाइथागोरस का प्रमेय, और एकदम सिंपल है, थोड़ा सा लंबा है बट सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर देख लो बेटा कितना इजी है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा। Yes, sir. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। अब आयत क्या होता है? आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, आयत ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। जो आयत होता है बेटा, आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है? समान होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये आयत है, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर ये हमने एक आयत ले लिया, ठीक है, और आयत में एक विकर्ण ले लेते हैं अभी, ये आयत का विकर्ण है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आयत का नाम है ए बी सी डी, ठीक है। यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, माना चतुर्भुज ए बी सी डी, यह है आयत है, यह है आयत है, तथा ए सी यह है आयत का विकर्ण है। ए सी यह है आयत का क्या है बेटा? विकर्ण है, और विकर्ण की लंबाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको आयत की लंबाई दी गई है, आयत की लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर, और आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है बेटा? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? और हमें ज्ञात क्या करना है?
हमें आयत के विकर्ण की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? अब आयत क्या होती है, आयत में क्या होता है बेटा, जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, समान होती है। आमने सामने वाली भुजा समान होती है, ठीक है। ये दोनों भुजा समान होगी और ये दोनों भुजा क्या होगी बेटा, समान होगी। अब यहां पर हमें चौड़ाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी गई है, 35 सेंटीमीटर। और विकर्णी की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। यहां पर त्रिभुज दिख रहा है क्या अंदर, देखो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोण बी कितना हो जाएगा, 90 अंश, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होती है, ठीक है। तो ये आयत, सॉरी, तो ये यहां पर हमें एक समकोण त्रिभुज मिल चुका है जिसमें दो भुजा की लंबाई दी गई है और तीसरी भुजा की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर यूज होगा पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर हमें किसका मान दिया है, ए बी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 35 सेंटीमीटर। ये हमें कहां से मिला बेटा, दत्त से। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए सी का। ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश हो जाएगा। कोण ए बी सी ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ये यहां पर इसका रीजन क्या लिखोगे, आयत, आयत के कोण, आयत के जो कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं बेटा, 90 अंश के होते हैं, ठीक है, इसलिए वो 90 अंश है। उसके बाद लिखोगे, इसलिए पाइथागोरस, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। कोई डाउट है, इसी को आगे हमें सॉल्व करना है। ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का मान कितना है बेटा, ए बी का मान कितना है, 12, तो 12 का वर्ग प्लस बी सी का मान कितना है, 35, 35 का वर्ग। कोई डाउट है, चलो आगे सॉल्व करते हैं अभी इसको। ए सी का वर्ग बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 35 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, 35 × 35, 5 × 5 = 25, हासिल है कि 2, 5 × 3 = 15, 15 × 2 कितना होता है, 17, उसके बाद में 3 × 5 = 15, हासिल है कि 1, 3 × 3 = 9, 9 × 3 कितना होगा, 10, प्लस करेंगे तो 5, 12, हासिल है कि 1, 2, 1225 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1225 आया, किसका वर्ग बेटा, 35 का वर्ग, 35 का वर्ग कितना है, 1225, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे, ए सी का वर्ग बराबर 1225 प्लस में कितना है, 144, 9, 4 × 2 = 6, 3 × 1 1369, ठीक है। अब यहां पर देखिए, वर्ग हमें चाहिए क्या, नहीं, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे बेटा, वर्गमूल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा कर्णी में 1369, 1369 का वर्गमूल होता है बेटा 37, तो यहां पर लिखोगे ए सी बराबर 37 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो ए सी है वो क्या है बेटा, आयत का विकर्ण है, तो आंसर में आपको लिखना है आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 37 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर आप लिखोगे, आंसर आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 37 सेंटीमीटर। समझ में आया, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है।